हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 18 अगस्त 2021 की है। तो हम आज असेसमेंट वर्कशीट कर रहे हैं। इस वीक से आपकी असेसमेंट वर्कशीट आ रही है, सब्जेक्ट वाइज आ रही है। तो आज की वर्कशीट है साइंस की। तो ये साइंस की असेसमेंट वर्कशीट फर्स्ट है। ये एक तरह से आप लोगों का टेस्ट है। ये आपको कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर भेजिएगा, इसके मार्क्स लगेंगे, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। विच बैक्टीरिया हेल्प इन सेटिंग ऑफ कर्ड। कर्ड बनने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, विब्रियो कॉलेरा एंड बेसिलस। तो देखो हमने अच्छे से समझा था, लैक्टोबैसिलस क्या करता है? मिल्क, जो कर्ड है उसको, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है? कर्ड में। क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिस्ट हु डिस्कवर फर्मेंटेशन इज। फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने या लुई पाश्चर ने? तो हमने समझा था कि लुई पाश्चर ने क्या किया था, जो फर्मेंटेशन है, किण्वन की जो प्रोसेस है उसको डिस्कवर किया था। अभी हम समझेंगे किण्वन क्या होता है, जब ईस्ट क्या करता है, ईस्ट जो फूड में शुगर होती है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और बोथ। तो हमने पढ़ा था वर्कशीट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाइल बेकिंग केक ईस्ट रिप्रोडक्शन रैपिडली एंड प्रोड्यूस। जब केक बनाया जाता है तो ईस्ट पाउडर डाला जाता है, तो ईस्ट पाउडर क्या करता है, रैपिडली क्या करता है, बार बार में रिप्रोड्यूस होता है, मतलब कि बार बार में अपने नंबर्स को बढ़ाता है। जब नंबर को बढ़ाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है ज़्यादा अमाउंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जैसे रिलीज़ करता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, पहले एक करता है, एक से दो, दो से चार, इस तरह से वो अपने नंबर को बढ़ाता है, और जितना नंबर को बढ़ाता है उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, सम डैश इज आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन। देखो कुछ फंजाए और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स है उसमें बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, फंगी एंड बैक्टीरिया दोनों ही क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। ये हम हमारी वर्कशीट में समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस, यहाँ पे नोट पर ध्यान रखेंगे, नॉट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जल्दी से बताओ किसके बिना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प के बिना कौन सी चीज यहां पर बनती है? चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। योग हार्ट मतलब कार्ड भी क्या बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इडली बैटर जो है वो भी किससे बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्क, मिल्क माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 इज कॉज्ड बाय, कोविड-19 किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, फंगी या प्रोटोजोआ, या किसके द्वारा, वायरस के द्वारा, ये आप सबको पता होगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग शुगर इज फूड इज कन्वर्ट इनटू। अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, जो यीस्ट है वो क्या करता है, शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में, विच अमंग ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कुछ ग्रुप दिए गए हैं, उनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप नहीं है? तो हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, ये सब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन वायरस को हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखा, क्यों, क्योंकि ये लिविंग नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, ये जब किसी होस्ट के अंदर चले जाते हैं तब क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, तब लिविंग हो जाते हैं, अदरवाइज ये लिविंग नहीं होते। तो हमने वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग ग्रुप में रखा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट अ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस पढ़े हैं, तो कौन सा यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नहीं है? प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन बनाना है, इंक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ये भी है, क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारे काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। तो इसका आंसर होगा यूज ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।